नमस्कार दोस्तों, क्या आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं? क्या आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम गलत लिखा है? क्या आप अपना नाम अपने आधार कार्ड में, अपने पैन कार्ड में और अपने वोटर कार्ड में बदलना चाहते हैं? फ्रेंड्स, क्या आप अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट में अपने नाम को करेक्ट करना चाहते हैं? तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं भारत के सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने नाम को बदल सकते हैं, पूरे नाम को बदल सकते हैं, लास्ट नेम को बदल सकते हैं, मिडल नेम को बदल सकते हैं, ठीक है, किस तरह से ये किया जाता है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने पूरे नाम को बदलें या अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में अपने नाम को ठीक करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कैसे होगा, इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भारत में रहते हैं और आप अपना नाम बदलना चाहते हैं तो आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे और इन 3 स्टेप फॉलो करने के बाद आपको मिलेगा सेंट्रल गजट, भारत का राजपत्र। अब ये भारत का राजपत्र होता क्या है? ये भारत का राजपत्र एक सर्टिफिकेट है जो कि केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। इसके अंदर, इस सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि आपका नाम ये, आप भारत के इस राज्य के रहने वाले हैं, आपके पिता का नाम ये है और आपने अपना नाम बदल के ये कर लिया है और भविष्य में आप इसी नाम से जाने जाएंगे। या फिर इसमें लिखा होगा आपके सभी एजुकेशन डॉक्यूमेंट में आपका नाम गलत लिखा है, या आपके 10वीं या 12वीं के डॉक्यूमेंट में आपका नाम गलत लिखा है, या आपके माता पिता का नाम गलत लिखा है और सही नाम ये है। जब आप इस तरह का डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, तो आप इजीली अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में अपना नेम चेंज कर लेते हैं। आपको सिर्फ बैंक जाना होता है और बैंक जाके बोलना होता है कि मैंने अपना नाम बदल लिया है या मेरा नाम गलत लिखा है, और ये रहा केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन सर्टिफिकेट, आप मेरे बैंक अकाउंट में नेम चेंज कर दीजिए। आधार कार्ड सेंटर जाइए, पैन कार्ड ऑफिस जाइए, पासपोर्ट ऑफिस जाइए, इस सर्टिफिकेट को दीजिए और अपना नाम चेंज करा लीजिए। आपको वीजा लगवाना है, आपको आउट ऑफ कंट्री ट्रेवल करना है, आपको सिर्फ ये सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस सर्टिफिकेट को कैसे बनवाया जा सकता है? इस सर्टिफिकेट को बनवाने की 3 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप एफिडेविट बनवाना, दूसरा स्टेप न्यूज़पेपर बनवाना, तीसरा स्टेप सीडी बनवाना। तो सबसे पहले मैं आपको अपना खुद का एग्जांपल दूंगा कि कैसे कोई व्यक्ति अपना नाम चेंज कर सकता है, ठीक है। तो नेम चेंज करने के रीजन आपको बिल्कुल पता होंगे, किसी को अपना नाम पसंद नहीं है, किसी को पंडित जी ने बता दिया कि भैया अपना नाम बदल लो, और किसी को अपना नाम पप्पू है, उसको लाइक नहीं करता वो बदलना चाहता है, और किसी ने भैया, किसी को ऐसा लगा कि अगर मैं अपना नाम बदल लूंगा तो मेरी किस्मत बदल जाएगी, वो अपना नाम बदलना चाहता है, और कोई किसी की शादी हुई है और वो सोच रहा है कि मैं अपने हस्बैंड का सरनेम लगा लूं तो वो अपना नाम बदलना चाहता है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे अपने हस्बैंड का सरनेम लगाया जा सकता है, कैसे पंडित जी के कहने पर या खुद आप अपना नाम बदल सकते हैं। तो एग्जाम्पल मैं देता हूँ इस फाइल से, जो फाइल मैंने अपने क्लाइंट की बनाई है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो सबसे पहले हम एफिडेविट बनाएंगे। जो एफिडेविट होता है कम से कम 10 रुपए के नोटरी पेपर में बनता है, 10 से 100 जितने का नोटरी पेपर आपके यहाँ अवेलेबल है, जिस भी भारत के राज्य में रहते हैं वहां से आप उतने का ही एफिडेविट नोटरी का पेपर पे इस फॉर्मेट को बनवाएंगे। तो फॉर्मेट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मेट में लिखा हुआ है मेरा नाम विपिन चौहान, मेरे पिता का नाम ये, मैं भारत के इस राज्य का रहने वाला हूं, पिन कोड नंबर ये, मैं अपना नाम बदल के विपिन चौहान से रवि त्यागी करता हूं, ठीक है। या फिर अगर मुझे पूरा नेम बदलना था तो पूरा नेम बदल सकता हूं, मैं अपना नाम विपिन चौहान से रवि करता हूं, या फिर मैं अपना नाम विपिन से आकाश करता हूं, जो भी मैं नाम बदलना चाहता हूं, नया नाम बदलना चाहता हूं वो मैं ये करता हूं, और भविष्य में मुझे नए नाम आकाश से ही जाना जाए, इस तरह से मैं ये काम इस डिक्लेरेशन दूंगा। जब मैं ये डिक्लेरेशन दे दूंगा तो मुझे यहाँ पे नोटराइज कराना पड़ेगा किसी वकील से, ठीक है, या फिर जिसके पास नोटरी करने की पावर हो, और अपना साइन करना होगा। तो स्टेप नंबर 1 हमारा हो जाएगा कंप्लीट, हमने बना लिया एफिडेविट। और दूसरे स्टेप में हम 2 न्यूज़पेपर में ऐड देंगे, पहला उस राज्य के न्यूज़पेपर में जिस राज्य में आप रहते हैं। अगर आप बैंगलोर में रहते हैं तो आपको बैंगलोर के एक लोकल न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ेगा, और अगर आप बिहार में रहते हैं तो बिहार के किसी भी न्यूज़पेपर में, चाहे पटना, चाहे कोई मुरखिया, किसी भी न्यूज़पेपर में ऐड दे दीजिए, वो बिहार का होना चाहिए। राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान के न्यूज़ में, किसी भी न्यूज़पेपर में, जयपुर में, अजमेर में, कहीं भी ऐड दे दीजिए, लेकिन वो सिर्फ आपके स्टेट का न्यूज़पेपर होना चाहिए। नंबर 2, वो एक नेशनल न्यूज़पेपर में ऐड देना है जो कि इंडिया लेवल पे आता हो। जब आप ये 2 काम कर लेते हैं तो आपके पास इस तरह का न्यूज़पेपर आ जाता है। फ्रेंड्स, उसको भी आप फाइल में लगा लेते हैं, न्यूज़पेपर आप देख रहे हैं, ठीक है। आपने फाइल पर 2 चीज आ चुकी है, सबसे पहले एक एफिडेविट आ चुका है, दूसरा न्यूज़पेपर आ चुका है, तीसरा आपको बनाना होता है इसके अंदर सीडी। अब ये सीडी क्या होती है, मैं अपने दूसरे क्लाइंट की फाइल निकालता हूँ, हम बना रहे हैं। तो सीडी में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको जो
आपने डेटा एफिडेविट में दिया, जो डेटा आपने न्यूज़पेपर वाले को दिया वही डेटा आपको सीडी में डालना होता है। अभी सीडी में डालिएगा कैसे, वर्ड में एक फाइल बनाइए, फाइल बनाने के बाद उस डेटा को सीडी में बर्न कर दीजिए, आपका डेटा सीडी के अंदर आ गया। तो जब आप ये तीन स्टेप पूरे कर लेते हैं, एफिडेविट बना लेते हैं, न्यूज़पेपर में दे देते हैं, सीडी में डेटा डाल देते हैं, अब आप कहेंगे यार ये फाइल तो आपकी बिल्कुल थोड़ी मोटी दिख रही है और आपने तो तीन ही स्टेप जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं जो हर फाइल में लगते ही लगते हैं। वो तीन चार पेपर मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे या अपनी वेबसाइट पर आपको दे दूंगा, आप मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, हमारे ऑफिस में कॉल करके वो फॉर्मेट्स ले सकते हैं और वो भी इस फाइल के अंदर लगा लीजिएगा। जब आप ऐसा कर लेते हैं, आपकी फाइल पूरी रेडी हो जाती है, तो आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट भारत पे जाके अपनी फीस जमा कर देनी होती है। फीस जमा करने के बाद आपको इस फाइल को सेंट्रल गजट ऑफिस जाके वहां पे इस फाइल को जमा कर देना होता है। जब आप अपनी फाइल को सिविल लाइन सेंट्रल गजट ऑफिस विधानसभा के जो पास है, क्योंकि भारत सरकार का ऑफिस दिल्ली में है, ठीक है, वहां जाके आप ये फाइल जमा कर देते हैं, तो आपको वेट करना होता है 30 से 40 दिन, मतलब 1 महीने से 40 दिन का वेट करना होता है, और 1 महीने बाद गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, ई गजट की वेबसाइट पे आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। जैसे ही आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको पैन कार्ड ऑफिस जाना है, इसको देना है, आपको आधार कार्ड ऑफिस जाना है, इसको देना है, और आपको अपने एजुकेशन सेंटर जिस बोर्ड से आपने पढ़ाई की है वहां जाना है, ये देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपका नेम चेंज हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो है वो पुराने डॉक्यूमेंट, मतलब उसका 20 साल 30 साल पहले उसने 10वीं 12वीं करी थी, और वो अपने डॉक्यूमेंट पे वो कहेगा कि भैया मेरे डॉक्यूमेंट पे मेरा एजुकेशन डॉक्यूमेंट नेम कैसे चेंज होगा, भैया अगर आपके डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, ठीक है, आपने जिस बोर्ड से पढ़ाई करी है, अगर आप किसी जॉब के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं प्राइवेट या सरकारी जॉब के लिए, तो आपको क्या करना है, आप अपने डॉक्यूमेंट पे नेम मत चेंज कराओ, एजुकेशन डॉक्यूमेंट पे सिर्फ गजट की कॉपी, जब आप जॉब अप्लाई करें तो गजट की कॉपी लगा दीजिएगा, क्योंकि गजट केंद्र सरकार द्वारा दिया गया हुआ एक कानून है, एक सर्टिफिकेट है जो उन्होंने दिया है, ठीक है, तो इसको कोई काट नहीं सकता है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, तो वो लगा के आपके लिए काम करेगा। और अगर किसी ने हाल फिलहाल में अपनी एजुकेशन की है और वो अपना नाम चेंज करना चाहता है, वो इजिली बोर्ड्स में जाके और वहां जाके चेंज हो जाती है। तो आधार कार्ड पैन कार्ड सब जगह सेंटर्स पे जाइए, ये डॉक्यूमेंट को दीजिए और अपना नेम चेंज करा लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दूसरा, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो जो मैंने बोला लाइक सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है और मैं आपके डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाया हूं, तो आपको मुझे क्या करना है, कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है, या मेरी वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर देना है, ताकि मैं या हमारी तरफ से कोई आपको कॉल करके आपको असिस्ट कर सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और नहीं समझ आया होगा तो बिल्कुल आप मुझे कॉल करके या मेरे वीडियो पे नीचे कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकें। टेक केयर, बाय बाय।